ओए होए सोनियो, एक प्रोग्राम रात में वेख्या आफताब इकबाल दे उत्ते। अदाकार सुहेल अहमद ने मैं कि ना उस बंदे दा तीला नहीं रहन देता। वो जड़ियां बड़ियां बड़ियां गल्लां करदा सी ना चौड़ा होके कुर्सी दे उत्ते यानी कि अगे सामने फनकारां नूं बिठा के तो उन्होंने उन्हां दी बेइज्जती करनी तो मामलात करने जिहड़े फनकार छड जांदे सी। मैं कहना वा कि ऐसा धुआं धार इंटरव्यू आ गया सुहेल अहमद का कि उस बंदे ने तबाहियां फेर के रख दित्तियां ने, असलियत खोल के रख दी है। मैं कहवागा जिन्हों पंजाबी च कह लो कि मंजी ठोक के रख दी उस बंदे ने आफताब इकबाल की। लो फिर सुनियो पूरी गलबात तुहाडे सामने रखना। चैनल ते नवे हो तो वेखो पंजाब नूं कर लो सबसक्राइब ताकि अजिहियां चीज़ां भी तुहाडे सामने असी रियालिटी लियांदे रहीए। सोनियो बिला शुबा आफताब इकबाल एक किंग मेकर है, बहुत वड्डा नाम है। बल्कि मैं अक्सर क्या करना वा कि उस बंदे ने स्टेज की दुनिया तो ऐ जिहड़े के मरदे मुकदे जा रहे अदाकार सी, सच्ची पुछो ना तो इन्हां नूं ओह एक भैड़े लफ्जां नाल याद किया जाता सी। ओह पांड ते ओह मेरा बार बार लफज कहण अक्सर मैं वीडियो कहिंदा रहिंदा वा, इन्हां दी बेइज्जती करना मेरा मकसूद नहीं हुंदा, लेकिन आम जिहड़ा समझिया जाता इन्हां नूं कंजर टाइप ये वो। इस बंदे ने इन्हां सब नूं उत्थों मरदियां इन्हां नूं कढ के ते टैलीविजन की दुनिया ते आंदा शोज़ दे विच बिठाया ते इन्हां नूं एक इज्जत शोहरत दौलत सारा कुछ मिली। हाँ जी, लेकिन फिर मैं एक गल करना वा कि आखिर उन्हां दे विच कुछ है सी ते इस बंदे ने अपने शो विच आंदा। अगर उन्हां विच कुछ ना हुंदा ते कदी वी इह बंदा इन्हां नूं अपने शो विच ना लैंदा। इह वी गल, इह वी हकीकत है। अच्छा जी, हुण अगे वधने आ। अदाकार सुहेल अहमद मजाक की दुनिया का बहुत वड्डा नाम है, बहुत वड्डा नाम है। बिला शुबा अमानुल्ला खान साहब तो बाद सुहेल अहमद बहुत वड्डा नाम है अदाकारी की दुनिया में। यानी कि ऐसी ऐसी वो तुहानू पता हसबे हाल में हर तरह का उन्हें गैटअप जिहड़ा ना कीता है, यानी सियासतदाना दे मैं कहना हर बंदे दी उन्हें कॉमेडी की थी यार उस तरह का गैटअप करके, ते लाजवाब अखीर कर देंदा वो बंदा। रात दा मैं प्रोग्राम जो वेख्या ना वो एंकर मजाइया जरा अदाकार भी है अहमद अली भट्ट पॉडकास्ट में कोई घंटे तो उत्ते वो प्रोग्राम से मैं हैरान रह गया। हालांकि अज तीकर सुहेल अहमद साहब को इस तरह दल्ला जीडिया असं अज तीकर नहीं सी सुनिया, पर रात वो बहुत गुस्से में बोल रहा है जिहड़ा कि मैं उन्हां दा यह रूप समझो कि पहली बारी वेख रहा सी। हुण उन्हां दीआं चंद गल्लां सुन लो कि उन्होंने आख्या की है, अगों फैसला तुसी खुद कर लेना कि आफताब इकबाल वाकई इस तरह का या कि सुहेल अहमद अपने कोलों को गल कर रहे। फैसला तुहाडे ते छड्डिया, कमेंट सैक्शन में तुसी अपनी राय भी जरूर दे। सुहेल अहमद साहब ने आख्या यार कि बंदे ते मैनूं हासा ही बहुत आंदा कि जदों चौड़ा होकर कुर्सी ते लाम लेट होकर बैठा हुंदा मैं लत्तां गांह नूं कढ के ते चंगी घड़ी च चंगे बूट पा के उन्हां दे उत्ते प्रैशर पा रहा हुंदा फनकारां दे उत्ते, यानी कि वह फनकारा कि जिन्हों लैके अपने शो के चार चंद तुम लाए रेट हंगाई दुनिया का ता एक नाम मुकाम बनिया तुम उन्होंने सामने बिठा के जलील कर रहे होंगे, उन्होंने उत्ते ऐसा गल् कर रहे होंगे हो कि समझो कि जिमें कोई माजल्ला कोई वो कमी कमीन ने तो तुम चौधरी बैठे हो, यानी कि इस तरह बिल्कुल इस तरह ही होंगे। यानी कि उन्होंने खातर खा उन्होंने इज्जत नहीं देनी, उन्होंने तजलील करनी। तो वह सुहेल अहमद कहें बेचारे अगे तनखाह के चक्कर च अपने घर के निजाम चलाने वास्ते बाल बच्चों के अखराजात पूरे करने वास्ते वह बेचारे जी 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 सर जी इस तरह इवें ही यानी जी हजूरी बैठे कर रहे होंगे। उन्होंने जरूरत नहीं होंगी कि असी किवें ना कर दईए, उन्होंने मजबूरन हाँ करनी पैंदी क्योंकि वह सारे मामला तो निजाम ही तो चलाने ना। हाँ जी, तो दूजी जी बहुत वड्डी गल सुनी सुहेल अहमद ने की है ना आफताब इकबाल के बेवकूफ उन्होंने आखिया है, बेवकूफ आख दिता उन्हें शो दे जरा कि ऑन एयर होया। उन्हें आख्या कि आफताब इकबाल ने आख्या कि सुहेल अहमद नाल तां नहीं मेरी बन सकी कि उन्होंने मैं आख्या कि हस्बेहाल जरा लाइव असी करिए, तो उन्हें कह रहे जी मैं नहीं कर सकता। उन्हें कहा सुहेल अहमद ने आख्या आफताब इकबाल के बेवकूफ इंसान इस तरह मुखातब करके कि बेवकूफ इंसान मैं तो सारी जिंदगी लाइव ही स्टेज किया सारा तो तू मैनू कह रहा कि मैं नहीं कर सकता लाइव। उन्हें कहा इन्हू खुद नहीं आता कुछ भी साढ़े को सीख के तो सानू ही गल्ला करता, वह की आते होंगे ने साड़ी बिल्ली तो सानू ही मियाऊ
फिर सुहेल अहमद ने एक होर गल भी की थी कि ये सारे प्लांटेड चीज़ा होंगे ने कसौटी प्रोग्राम करके तो मेरे नाने का ना इन्होंने जरा बिगाड़िया यानी कि तजलील करन दी कोशिश की थी। उन्हें कहा इस तरह नहीं करना चाहिए इस बंदे नूं, ये बंदे च आकड़ गुरूर यानी कि सुहेल अहमद का प्रोग्राम खुद अहमद अली बड विच पॉडकास्ट तुसीं वेख लो तुहानूं पता लग जाएगा कि उन्हें इस बारे की गल्लां कीतीआं। हालांकि वह ये नेचर इस तरह की सुहेल अहमद की नहीं कि इस तरह दियां कोई गल्लां करन, लेकिन शायद ये भी एक चंगा होया कि जेड़े फनकार सारे लोग गल्लां करदे ने फलाना उन्हें छड्ड गया फलाना छड्ड गया है। असीं भी यही समझने कि यार ठीक है वह किंग मेकर बंदा पर वो दे कुछ असूल ने, पर एक चीज़ यह भी है वे कि फन अगर तुहानू कोई फनकार तुसीं लैंदे हो ना तो वो काबलीयत होंदी है वेख के तो फिर तुसीं लैंदे हो शो विच, पर उन्हां दी जलील उन्हां नूं जलील ना करो यार, उन्हां बेइज्जत ना करो। फिर सुहेल अहमद साहब ने यह भी गल आखी कि यार जे एडा ही तू काबल बंदा है फिर सुनियो सुहेल अहमद साहब ने एक होर बहुत वड्डी गल की थी आफताब इकबाल मुखातब करके कि यार जे तू एडा ही सियाणा बंदा है यानी कि तू काबल आदमी है तू अगे ना ये फनकार कुछ भी नहीं है इन्हां च कुछ भी नहीं जिहड़े छड्ड जांदे ये है तो वो है, उन्हें कहा तू कला कदी है शो अपना हिट करके विखा दे पता लग जाएगा। उन्हें कहा आखिर उन्होंने फनकारा कुछ है मैं तो तू लेना तो उन्होंने वजह तो तू कामयाब होया तो अपने शो नू तू हिट कीता है ना, बहुत वड्डी गल है तो सही गल भी है। मनिया कि चलो भावें उन्होंने काम नहीं सी मिल रहा फनकारा लेकिन अगर तुम उन्होंने अपने शो में लेंदे हो ना या कोई भी बंदा उन्होंने अपने शो च लेंदा उन्होंने किसी ड्रामे च लेंदा फिल्म च लेंदा आखिर उन्होंने कुछ होंदा तो फिर ही लेंदा ना सोहणी। यह गल बिल्कुल बहुत वड्डी की थी सुहेल अहमद साहब ने यानी कि इन्होंने फनकारा की वजह तो आफताब इकबाल ने अपने शो को कामयाब किया तो खुद कामयाबिया की बुलंदी से अपड़िया शोहरत पाई इस बंदे ने तो अपने शो के बह के तो उन्हें क्या लत्त चौड़िया करके गांह कढ़ के चंगे बूट से चंकी घड़ी पा के तो उन्होंने प्रैशर पा के उन्होंने जलील करना यह काम छड़ दे। उन्हें आख्या जो छत रब डेगता होंगे ना फिर वो हेठ बड़े बड़े जनाबे चोटी के बंदे आ गए जो मर जाते दब जाते होंगे इस वास्ते उन्हें क्या यानी कि पैगाम दिता है आफताब इकबाल को कि अल्लाह की लाठी लाठी तो डर लोगों की तजलील करनी इन्हों छोटे फनकारा की छड़ दे जिन्हों की वजह तो तू नाम मुकाम शोहरत इज्जत दौलत पा रहे। बाकी उन्हें क्या वो मेरा दोस्त है पर वो मेरा मेरा खोचल दोस्त उन्होंने अक्सर कहना उन्हें तू बहुत वड्डा खोचल है। बस यही कहांगा कि ये तुसी इंटरव्यू वेख लो तुहानू सारा पता लग जाएगा। बाकी ये बारे तुहाडी अपनी राय की है कि सुहेल अहमद ने ठीक आख्या इस बंदे नूं या कि आफताब इकबाल बहुत अच्छा है बाकी फनकार जिहड़े छड़ जांदे ने वह चंगे नहीं है, हैं या कि यह उन्होंने जलील करता है अपने शो विच ते अपना रोब दबदबा जमांदा है ये हुण सारियां गल्लां तो तुसी इहदे बारे अपने दिल विच की सोचदे हो कमेंट सैक्शन में तुसी अपनी राय का इजहार कर सकते हो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे ये साडे वास्ते जी वड्डे लोग ने हाँ जी वड्डे लोग ने अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे जिउंदे वास्ते रहन ते खूब तरक्कियां पाण ते दूजियां दी की आंदे ने कि इज्जत बंदा दूसरे की उही करदा जिहड़ा खुद इज्जतदार हुंदा है हाँ जी ते अल्लाह पाक सानू सब नू एक दूसरे की इज्जत करन की तौफीक अता फरमाए जिउंदे वास्ते रहो रब रखे।